रायपुर से बस्तर की ओर जाने वाले बेहद व्यस्त नेशनल हाईवे में अब तक कोई ऐसा अच्छा फूड जोन नहीं था जहां टूरिस्ट थकान दूर कर सकें और हाइजीनिक फूड का सेवन कर तथा चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता के वातावरण में कुछ समय बिताकर आगे बढ़ सके। खालहे मुरवेंड में बने लिमदरहा मिडवे रिसोर्ट ने ये कमी पूरी कर दी है। ये प्रदेश का पहला सर्व सुविधा युक्त मिडवे रिसोर्ट होगा जहां राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यंजन उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को 7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अपनी तरह के इस अनूठे रिसोर्ट का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि केशकाल घाट बस्तर का प्रवेश द्वार है। लिमदरहा मिडवे रिसोर्ट केशकाल घाट से लगा हुआ है। इसके 40 कॉटेज 1-2 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे और पर्यटकों को रुकने की सुविधा भी यहां पर मिल पाएगी। अगले 6 महीनों में पर्यटकों को कन्वेंशन हॉल की सुविधा भी उपलब्ध हो पाएगी। लिमदरहा का प्रबंधन PPP मॉडल पर होगा। प्रॉपर्टी को चलाने तथा इसका प्रबंधन करने का पूरा जिम्मा ग्रैंड इम्पीरिया का होगा। यहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अपने तरह के इस अनूठे रिसोर्ट का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम, केशकाल विधायक संतराम नेताम, अंतागढ़ विधायक अनूप नाग, नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप, मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी, वही छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस मौके पर यहां घूमने आए पर्यटकों ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी खिंचाने में भी रुचि दिखाई और आग्रह किया तथा सुझाव भी दिया कि यहां पर गेम जोन भी होता तो बच्चों को घूमने में और भी मजा आता। बहरहाल पर्यटकों के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही यहां गेम जोन विकसित किया जाएगा। राज्य की मुखिया भूपेश बघेल ने ई रिक्शे में बैठकर लिमदरहा रिसोर्ट का निरीक्षण भी किया और जमकर तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज।